राम राम दोस्तों, राम राम सारे हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, आज ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमको आए दिन परेशानी हो रही है। वो हमेशा बहुत से हैं जो तो फ़ोन करके भी बोलते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा, मतलब उनका काम यही है कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना भाइयों, तो उस पर हमेशा अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। हाँ, और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब कुछ रिश्तेदार भी हैं हमारे, ऐसे घर वालों को परेशान करते हैं बेवजह। अगर कहना है तो हमसे कह लो ना, हम आपको जवाब जैसे दे हमारी माँ है, कहीं कोई शादी में जाएगी तो उससे जरूर कहेंगे, और कोई भाई नहीं कहेगा, सिर्फ हमारे एक दो जो रिश्तेदार हैं वो ही ज्यादा कहेंगे। और हालांकि दोस्तों, कुछ लोग तो है ना जलते भी हैं कि इनकी इतनी सारी बड़ी, मतलब लोग जानते हैं इनको, इतना बड़ा चैनल है इनका, इस वजह से भी कुछ लोग जान हमारी YouTube फैमिली इतनी बड़ी कैसे हुई, क्योंकि हमने हमेशा अपनी मर्यादा में रह के वीडियो बनाए हैं। कभी भी हमने ऐसा वीडियो नहीं बनाया सोशल मीडिया पे जिससे किसी भाई को परेशानी हो, दिक्कत हो, ना किसी बहन के खिलाफ हमने कोई दो शब्द गलत बोले, ना किसी भैया के लिए बोले। लेकिन फिर भी लोग, पता नहीं, एक भैया करोली के तो बोल रहे थे, मतलब रोज गलत कमेंट करते हैं आपको, वो तो हमेशा ही गलत कमेंट करते हैं। चल यही काम है, आपको भी यही काम है क्या, बस गलत कमेंट करने का। और बहुत से भाई ऐसे में जिन्होंने लेडीज के नाम पे अपना चैनल बना रखा है और उस पे लेडीज की फोटो लगा रखी है और गलत कमेंट करते हैं, फिर उससे ये जाता है कि भाई ये लेडीज भी गलत कमेंट करती है, उनको लगता है तुम गलत संदेश दे रहे हो। ऐसा हमने क्या संदेश दे दिया, हम तो अच्छा ही वीडियो बनाते हैं। जैसे और अभी हाल ही आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी लेडीज आ रही हैं आगे, और मतलब अपनी एक्टिविटी के जरिए वो, मतलब अच्छा वो भी दिखा रही जो अपने टैलेंट है, किसी को खाना बनाने का है, किसी को डांस करने का है, किसी को ब्लॉग बनाना है, तो इसमें गलत क्या है, वो अपनी अपनी रुचि है। बहुत से भाई है जो अपनी घरवाली की तो फोटो एक मोबाइल में नहीं रखते, उसको इतने प्रताड़ित करते हैं और दूसरों की घरवालियों के बारे में टिप्पणियां करते हैं। अब ये तो हमको पता है ना हमारी कैसी घरवाली है, कैसा जीवन साथी है हमारा, और हमने तो दोस्तों जीवन में हमें माँ बाप ने यही सिखाया है कि हमेशा खुश रहना है जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। और नौकरी के बारे में बोलते हैं कि एक गैंगमैन की लुगाई होके इतना जचा रही है, इसको डूब मर जाना चाहिए, तुम पैसे के लिए भूखे मर रहे हो क्या, ऐसे पैसे तो रंडी भी घुमाती है। इसमें पैसे वाली रेख हाँ बात आ गई दोस्तों, हमने ऐसा क्या कर दिया, और क्या गैंगमैन को जीने का हक नहीं है, क्या गैंगमैन के घरवाली को जीने का हक नहीं है। मेरे भाइयों, इतने रेलवे इतना बड़ा वो है, उसमें गैंगमैन की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्या उनको सबको जीने का हक नहीं है। इसका मतलब आदमी नौकरी जो भी है छोटी बड़ी हमको टाइम से मिल गई, जो भी है हम तो खुश हैं दोस्तों इसमें। ये नहीं है कि बड़ी नौकरी वाला ही हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, कुमाकर तो वो लोग भी खाते हैं जो, मतलब जिनकी नौकरियां नहीं है, मेहनत मजूरी करके खाते हैं, बड़े बड़े अफसर भी कुमा के खाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बस उनकी सोच की बात है। मतलब हमारे घर वालों से बोलते हो तो हमसे बोल के बता दो ना आप। घर वालों से बोलते हैं, कई भी रिश्तेदार जाते हैं तो कि तेरी बहू को शर्म नहीं आती क्या, सोशल मीडिया पे ऐसे ब्लॉग बनाती है, ऐसे नाचती है ना। मेरी माँ भी गई थी एक शादी में, तो वहाँ पर रिश्तेदार ने बोला कि हमको तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारी बेटी वीडियो बनाती है। अरे तुमसे किसने कहा कि हमारी बेटी ऐसी हो तो हम तो ये कर दें। हाँ, अगर तुम्हें हमसे कोई ऐतराज है, तो अगर तुमसे तुम्हारे पड़ोसी बोलते हैं कि तुम इसे जानते हो तुम्हारे रिश्ते, तो वो ना कर दो ना कि हम नहीं जानते, रिश्तेदार में नहीं है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे कि हमें शर्म आई। और दोस्तों, ये भी तो नहीं है ना कि हर आदमी को हर आदमी पसंद आ जाए। मेरी माँ ने उसे कहा कि हम तो वीडियो ही नहीं देखते, हमें तो पता ही नहीं वो कैसी वीडियो बनाती है। हालांकि घर में बड़ा फोन नहीं है, लेकिन कभी हम जाते हैं तो हम ही दिखाते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि तू क्यों बनाती है, क्यों नहीं बनाती है, किसी ने भी मना नहीं किया। हमारे घर वालों ने तो हमको हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आपको क्यों तकलीफ हो रही, आप अपनी बेटी पे पाबंद लगाओ, अपनी बहू पे लगाओ ना, वो तो आपसे समझती नहीं है, हमको ज्ञान देने चले हो आप। बस यही काम रह गया है कि आप सबकी बातों को सुनने का, बस दो चार ही लोग हैं। और हम तो जो भी यही संदेश देते हैं मेरे भाइयों, जो हमने सीखा है, अगर आपको घर बैठे, मतलब कोई भी ब्लॉग बनाता है, कोई भी बहन है जो किचन के बारे में बना रही है, अपने डेली रूटीन के बारे में बता रही है, और उसको दो पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है। अगर घर रहते हुए बना रही है तो हम तो उल्टा यही चाहेंगे कि कोई बहन को उल्टा बनाना चाहिए। अगर आप घर पे बैठे दो पैसे कमा रहे हो तो उसमें बुरा क्या है।
कोई गलत काम करके कमाते हैं ना, तब बोलते ना, तब अच्छा लगता आपको भाई। कोई गलत काम करते, आजकल दुनिया पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे धंधे, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ भी गलत होने किया। ऐसे लोग भी देखे हमने, बहुत से बोल कर मतलब पैसे ठग लेते हैं। वैसे तो नहीं कर रहे हैं ना हम किसी के आत्मा नहीं दुखा रहे, किसी के आत्मा से खोस के कुछ चुरा रहे हैं। बस आपकी प्यार की वजह से आप सभी देखते हैं हमको और आप सभी पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चलते हैं, तो हम दो पैसे कमाने भी लगे हैं। अब हमको चाहने वाले हैं, इसलिए हमको ये थोड़ी है कि हमारे आदमी को आए, तो हमको चाहने वाले हैं, उनको पसंद आ रहे हैं हमको, इसलिए वो देखते हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप परिवार वालों से कुछ मत खाइए, जो खाना है ना मुझसे खाइए सामने, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरे अपने को दुख होता है तो ऐसे दुख पहुंचाते हैं। और लोग चाहते हैं कि हम हंसते रहते हैं ना हमेशा, तो हमें रोना चाहिए, क्यों रोए हम? आपको क्या पता कि जो आदमी हमेशा हंसता है उसके अंदर कितना दुख भरा होता है वो। दोस्तों ऐसा हमने ऐसा किया भी क्या है जो मतलब हर बात पे टिप्पणी करते हैं कि तुमने ससुराल में आके थोड़ी खुशी मिली थी, सोचा था कि बहुत अच्छा परिवार है, हमेशा खुश रहते हैं, पति भी अच्छा है सबके साथ। बहुत से बोलते हैं कि तुमने, हाँ तो दोस्तों हम तो ये इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि हमको ऐसा ना करें, हमको हताश ना करें। हालांकि वैसे 2-5 के आदमियों उसके कहने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमको चाहने वाले खूब हैं, जहाँ भी जाते हैं हर जगह अब तो चाहने वाले हैं, हर जगह जानने पहचानने वाले मिले, हर जगह दोस्त हैं हमारे। लेकिन बस कुछ लोगों की वजह से हमको परेशानी होती है मेरे भाइयों, और हम तो हमेशा ऐसा कंटेंट लाएंगे कि हम जो हमसे जलते हैं, हम तो उनके मन में भी हम एक दिन है मतलब ये पैदा कर देंगे कि ये वास्तव में ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमने कभी भी मतलब ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि किसी भाई का मन दुखे, मेरी बहन का मन दुखे, जो भी हमको माताएं बहनें हैं देखती हैं, ऐसा तो हमने कोई बनाया नहीं। सिर्फ डेली रूटीन है हमारा, डेली कार्य है, छोटी मोटी नौकरी है, जिससे बस खुश हैं हम। और फिर पता नहीं क्यों ऐसे लोग बाग बोलते हैं हमारे बारे में, बस इसलिए हताश हो जाते हैं। दोस्तों बस आप हमारे पे ऐसे ही प्यार बनाए रखो, जब तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, हमको पहचानने वाले और बढ़ जाएंगे। हम तो सिर्फ मीनस संस्कृति है अपने समाज की है कि ये इनमें ये पहनावा पहनते हैं, ये इस तरह रहते हैं, सिर्फ हम तो यही बताया है। वैसे अलग चीज़ तो हमने कोई बताने की कोशिश भी नहीं करी है। मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो पढ़ाई में करो, आपका जिस चीज़ में रुचि है उसमें रुचि लो। और अब जैसे कह रहे हैं कि तुम ये हो के भी इतना जचा रहे हो, तो मैं तो ये कहता हूँ भाइयों कि हर ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को बड़ी नौकरी मिले, हर आदमी अफसर बने। हमारी हमको नहीं मिल पाई नौकरी, अगला कि हमने भी खूब मेहनत करी थी लेकिन हमको नहीं मिल पाई। और वक्त वक्त के हिसाब जो खुश रहता है ना, तो उसे देख कर चिढ़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम तो बस खुश हैं, बस जीवन में यही सीखा है। और मैं तो हर भाई हर माता बहन से यही कहूँगा कि अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे, अपनी पत्नी की बातें माने भी, और वो माता बहन है जो भी अपने पति की बातें माने, मतलब मिलजुल कर रहे और अपने बच्चों को भी ढंग से पढ़ाए। मैं तो इसी बात में विश्वास रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि आदमी के दुख सुख तो हमेशा चलते रहते हैं। ऐसा कि संसार में कोई भी नहीं है जिस आदमी के जीवन में दुख ना हो, हर आदमी के दुख हैं लेकिन उसको जानबूझ के दुख पहुंचाया जाता है, तो उससे तो हर आदमी को परेशानी होती है ना मेरे भाइयों। आपकी ज़िंदगी में शायद उनकी ज़िंदगी में खुशियां है ना इस टाइम, इसलिए ज़्यादा इड़का रहे हैं वो। उनको क्या मतलब, वो होते कौन है मेरे भाइयों जो मतलब किसी को गलत कमेंट करने वाले। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर गलत कामों को प्रोत्साहन देते हैं ना, तो सिर्फ ये जो सोशल मीडिया पे हमेशा माता बहनों को गलत कमेंट करते हैं ना, ये ही हमेशा सोशल मीडिया पे गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ ऐसी, हर चीज़ गलत नहीं होती। अगर वीडियो बनाना गलत है तो ऐसे तो हर घर में टीवी लगी हुई है, टीवी में भी आजकल खराब ऐड भी आजकल तो बिल्कुल असली ऐड दिखाते हैं। जो भी नाटक देखोगे, फिल्म देखोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ तो गलत दिखता ही है, जिससे बच्चों पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने तो आज तक ऐसा कुछ बनाया भी नहीं है जिससे बच्चों पे या समाज पे किसी पे गलत पड़े, फर्क पड़े। अगर उनको ऐसे एक समाजवादी है ना, तो ये बताओ कि तुमने क्या कर लिया समाज के लिए, कि तुम जो ज्ञान देते हो हमारे परिवार वालों को, है मत तो सामने खो ना, तुम दो खाओगे तो हम चार भी खाएंगे।
समाज की बातें करते हैं और खुद ने आज बोलना किसी ने आज तक समाज के लिए उन जो कहने वाले हैं ना जो हमको अभद्र टिप्पणियां करते हैं उन्होंने आज तक कुछ किया भी नहीं होगा, वीडियो नहीं देखते ना किसी की आज तक मदद की होगी उन्होंने। लेकिन जीवन में किसी की मदद करना, किसी दुखी का दुख को समझना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जानबूझकर किसी आदमी को दुख पहुंचाना ये भी तो बहुत शर्म की बात है ना मेरे भाई। तो जो ये गलत कमेंट करते हैं उनके लिए ही हमने ये वीडियो बनाया कि कम से कम किसी को हताश मत करो, जो भाई आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि हमारी माता बहनें बहुत हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वीडियो बना रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत बना रही हूँ, उन्होंने हमेशा अच्छे वीडियो बनाए हैं और मैं तो यही कहूँगा कि वो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाए ताकि सबको पसंद आए। बस ये कुछ लोग जो गलत कमेंट करते हैं उन पर तो बिल्कुल भी ध्यान ना दे, क्योंकि जो ऊंचाई पर पहुंचता है, जो सब ऊंचाई पर पहुंचते हैं, मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी हैं, उनके बारे में खूब लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, कुछ भी नहीं, फिर भी वो ऊंचाई पे हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग ही करते हैं वो अभद्र टिप्पणियां, फिर भी उनको सोचना चाहिए कि ऐसा अपन कर लेंगे तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हताश करते हैं हर किसी आदमी को। नहीं, मैं तो मेरी माता बहनों से कहूँगा अगर वो घर में रह के कुछ अच्छा करना चाहे तो उनको करना चाहिए और उनके पति को भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ कि घर में रह के अपन ब्लॉग बना सकते हैं या कि सब्जी के बारे में बता सकते हैं, रोटी के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई भाई बेरोजगार है वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उसको बनाने में क्या दिक्कत है, कोई भाई अच्छे से सक्सेस हो गया, नौकरी लग गई कोई माता बहन तो वो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो नहीं लग पाए, कोई अनपढ़ है और थोड़ा बहुत बोल के सोशल मीडिया से दो पैसे कमा रहा है तो उसमें बुरा क्या है मेरे भाइयों। आजकल तो हर आदमी सोशल मीडिया पे कितने वीडियो रोज के अपलोड होते हैं, लाखों वीडियो रोज के अपलोड होते हैं। तो मैं तो कहूँगा भाइयों मतलब हर आदमी को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कि किसी को दुखी करो। बस हम तो यही कहने आए हैं कि जो चार पांच लोग हैं ना, मतलब आसपास में भी होते हैं, दूसरे गांवों में भी होते हैं, मतलब बस वो ही होते हैं हमसे कहते हैं, हमारे खुद जान का रिश्तेदार, खास रिश्तेदारों में हम कहते हैं कि हम भी थोड़े बहुत सोशल मीडिया से पैसे आ जाते हैं तो हमसे कहते हैं पैसे तो रंडी भी घुमाती है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसको हम सुन के इतना हताश हो जाते हैं भाइयों, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और वो सिर्फ वो ही लोग कहते हैं, उनको उनको समाज में कोई पूछता भी नहीं है, सिर्फ वो ऐसे वो ना अपने पति की नहीं हो पाती हैं, वो लेडीजें भी मतलब सवाल करती है पहले अपने पति की तो लो, और पति जो है ना गंदी कमांड करते हैं वो पहले अपनी पत्नी की तो लो, अपने परिवार वालों को तो संभालो, माँ बाप का तो तुम ख्याल रखते नहीं हो, डोलते दूसरे को शिक्षा देते हैं, दूसरों को शिक्षा देने चले हो। मैं तो उन्हीं से कह रही हूँ जो गलत कमांड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी बताना कमेंट करके कि क्या हम गलत कर रहे हैं, ये जो भी वीडियो बना रहे हैं वो वैसे हमारे हिसाब से तो क्या गैंगमैन की लुगाई होना गुनाह है क्या दोस्तों? बहुत सारे गैंगमैन की लुगाइयां हैं, तो मतलब बहुत सारी लेडीज हैं वीडियो बनाती हैं, सबको यही कहते हैं बस तुम्हें ही काम है वीडियो बनाने का, तुम्हें यही काम है क्या? यही काम है, आपको देखना है तो देखो वरना मत देखो। आज जोड़ के तो आपसे मतलब घर से तो जा नहीं रहे कि अपनी वीडियो देखो देखो देखो, जबरदस्ती तो करनी है आपकी मर्जी। माँ बाप ने तो दोस्तों यही सिखाया, कोई कुछ भी कहे तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। हम तो हमेशा ना ये चाहते हैं कि जिस दिन बुरा वक्त चल रहा हो ना उस दिन भी मुस्कुराएं बस भगवान जी को याद करके। और हम तो हमसे जो भाई जुड़े हुए हैं हमारी YouTube फैमिली है, मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, उनके हर पल उनके लिए खुशहाली का है मेरे भाइयों। तो ठीक है भाइयों, हम तो इसी बारे में बताया था, प्लीज ऐसे मत बोला करो किसी के लिए भी है जो। तो ठीक है भाइयों, राम राम।